क्लास 11th एनसीईआरटी सेट्स में एक्सरसाइज 1.5 यहाँ पे देखेंगे। इसमें देखिए फोर्थ प्रॉब्लम पहले देखेंगे। फोर्थ प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है? फोर्थ प्रॉब्लम में एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, एलिमेंट्स दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दूसरा सेट ए और बी दिया है, हमको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? हमको वेरीफाई करना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरे पार्ट में देखिए, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में देखिए, दूसरा पार्ट क्या है? हमको यहाँ वेरीफाई करना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये बेसिकली डिमॉर्गन्स लॉ है, इसको हमको वेरीफाई करना है। यहाँ पे क्या है? यूनियन है, यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट है पूरे का, यहाँ पे इंडिविजुअल का। तो ये यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, इसी तरीके से जो इंटरसेक्शन है यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला देखिए, पहले में हम क्या करें, पहले में हम क्या करते हैं, पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी क्या होगा? यहाँ से देखिए दो सेट्स हैं, 2, 4, 6, 8। ये हो जाएगा आपका ए है 2, 4, 6, 8, इसको पूरा लिख लें। और बी क्या है? 2, 3, 5, 7। 2 कॉमन है, 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा आगे 3, 5, 7। अब देखिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? अब इस सेट को जो हमने निकाला है U से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो एलिमेंट्स हम देखें क्या क्या है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये क्या बचा आपका? ये 1, 9 बचा। यहाँ पे देखिए ए कॉम्प्लीमेंट हम निकाल लें, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? U से A को सब्ट्रैक्ट कर दें, 2, 4, 6, 8 इसमें से हटा दें। तो क्या क्या बच जाएगा यहाँ पे? 1, 3, 5, 7, 9। B कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, 2, 3, 5, 7। 2, 3, 5, 7 इसमें से निकाल दें तो क्या बचेगा? 1, 3, 4, 6, 8, 9। सॉरी, यहाँ पे 3 वाला ये एलिमेंट नहीं होगा। तो अब देखिए A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अब हम ये निकाल लें, इनमें कॉमन पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे? एक तो 1 है, दोनों में कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है। दूसरा 9 है, बाकी सारे जो है अनकॉमन है, 3, 5, 7, 4, 6, 8। तो ये क्या हो गया? 1, 9। यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए इसी तरीके से सेकंड पार्ट कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लें, मींस ए और बी में जो कॉमन है 2, 4, 6, 8, यहाँ पे 2, 3, 5, 7, तो यहाँ पे कॉमन क्या हो गया? 2। अब इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मींस 2 एलिमेंट को यू से हटा दें तो बचे हुए एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब देखिए A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पे निकाल सक चुके हैं, तो A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हम लिखेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 1, 3, ये 1 कॉमन है दोनों में, 3 इसमें है, 4 इसमें है, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों आपस में देखिए यहाँ पे बराबर हैं। अब देखिए फिफ्थ प्रॉब्लम में ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सपोज ए और बी दो सेट्स हैं, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये एक सेट ए है, दूसरा सेट ये बी है। अब देखिए ए यूनियन बी किससे रिप्रेजेंट होगा? ए यूनियन बी यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा इस पूरे से, शेडेड जो वाइट रीजन है इससे डिनोट होगा, ये पूरा ए यूनियन बी है। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? तो ये वाला रीजन हो जाएगा जो ए और बी सेट के बाहर है। तो इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या करना है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमको निकालना है। तो यहाँ पे भी देखिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ए हमने यहाँ पर बनाया, मान लिया कि ये इंटरसेक्ट कर रहे एक दूसरे को, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए के बाहर जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं यू के, वो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट अगर हम देखें, बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा सेट हो जाएगा? बी के बाहर जो है
जो हम येलो से यहाँ पे इसको डिनोट कर रहे हैं। तो येलो वाला हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के जो कॉमन पॉइंट्स। तो यहाँ पे देखिए जो वाइट और येलो साथ साथ हैं वो वाला सेट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए वो सेट क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा हौच पौच हो गया है, देखिए आप ठीक से बना लीजिएगा इसको, ये वाला सेट हो जाएगा। इस तरीके से हम रेड से इसको डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये पूरा, ये देखिए रेड से शेड करने की इसको कोशिश कर रहे हैं, ये वाला जो है इस तरीके से। तो एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। इससे पहले हम वेरीफाई भी कर चुके हैं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से हम देखिए थर्ड और फोर्थ भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।